वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई थिंक ये बहुत ही रेयरली यूट्यूब पे मिलता भी होगा इस टाइप का हॉल वीडियो। सो अभी तक हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं हॉल के, जिसमें किसी ने कुर्ती का हॉल किया है, किसी ने ड्रेसेस का किया है, किसी ने टॉप्स का किया है, या वेरियस साड़ीज या वेडिंग आउटफिट या बहुत सारी चीज़ों का हॉल वीडियो किया है। बट आज मैं किड्स का हॉल वीडियो लेकर आई हूँ। सो ये जो बेसिकली मैं ड्रेसेस दिखा रहा हूँ वो मैं ली तो अपने बेटे के लिए हूँ जो कि 5 ईयर्स का है, बट ये वाले सारे जो ड्रेसेस हैं वो ऑलमोस्ट लाइक 2 to 3 ईयर्स के किड्स से लेके 9 to 11 ईयर्स के बच्चों के लिए अवेलेबल है मीशो पे। सो मीशो पे हमेशा ही कोई ना कोई सेल चलता रहता है, और अभी फिर से सेल चलने वाला, बहुत सारे सेल्स आते रहते हैं। और अभी बड़ा सेल आई थिंक रिपब्लिक डे के आसपास भी आएगा, मोस्टली मकर संक्रांति के पास भी आएगा, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं न्यू ईयर पे भी अभी आने वाला होगा। तो इतने सारे सेल्स होते हैं, तो वहाँ पे आप जाके परचेज कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए भी। तो मैंने इस बार विंटर के जितने भी आउटफिट्स हैं वो मैंने मंगवाए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ कि मैं हैदराबाद में रहती हूँ, जहाँ पे विंटर बहुत ही कम होता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा वुलन कपड़े नहीं मंगाए, बट हाँ मैंने मंगाए हैं ताकि पता लग सके वो कैसा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो पहला जो है वो एक स्वेटर है। तो ये स्वेटर है और इस पे ये इंसी विंसी करके ऐसे बना हुआ है, येलो कलर का मैंने मंगाया है। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं और ये प्रॉपर लाइक फुल स्लीव्स का स्वेटर है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है बट अच्छा है। और ये जो सारा मैंने ड्रेसेस मंगाया है, मेरा बच्चा 5 ईयर का है, बट मैंने 6 to 7 के एज वाले ग्रुप में मंगाया, क्योंकि मोस्टली जो स्वेटर्स होते हैं ना लाइक वो 1-2 लेयर्स के ऊपर ही पहनते हैं अगर ज़्यादा कोल्ड हो, तो इसलिए मैंने मंगाया। और फिर विंटर्स बहुत कम टाइम के लिए रहता है, नेक्स्ट ईयर भी काम आ जाए, इसलिए भी मैंने इसको थोड़ा सा बड़े साइज में ही लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बट हाँ जो दिसंबर की ठंडी होती है, हल्की ठंडी लाइक स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर, उतने के लिए अच्छा है। हाँ जो एंडिंग ऑफ दिसंबर और वो जनवरी वाला फॉग वाला जो ठंडा होता है, उसके साथ आपको इसके साथ कुछ और पेयर अप करना पड़ेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। तो ये है पहला स्वेटर, तो आप ज़रूर मुझे फीडबैक बताइएगा, और प्लस मैं इसका प्राइस भी स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसका, मैंने इनर भी मंगाया था, इनर का सेट था, तो एक ये पैजामा है और ये इनर, जो बेसिक सा इनर होता है ना वो है, ऐसे फुल स्लीव्स का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। मैं इस बार काफ़ी सरप्राइज थी कि बच्चों के भी जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं वो सारे ही बहुत ही अच्छे क्वालिटी में आए हैं, तो आप देख सकते हैं। ये मैंने 28 नंबर का किया है, मेरे बच्चे को 26 नंबर का एकदम फिटिंग का आता है, तो इसलिए मैंने एक साइज बड़ा ऑर्डर किया है 28। तो ये फुल स्लीव्स का ये सेट है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट एक स्वेट शर्ट, तो ये भी आप देख सकते हैं, इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये ब्रिक कलर है आई थिंक, ये ऑरेंज भी नहीं है, ब्राउन भी नहीं है, मतलब बहुत ही अलग से यूनिक और बहुत ही प्यारा कलर है, फुल स्लीव्स का है, अंदर से थोड़ा सा वुलन टाइप का इसका टेक्सचर है, बहुत ही सॉफ्ट है, इसका प्रिंट भी बहुत ही अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, इनफैक्ट थर्मल्स में भी 3-4 कलर अवेलेबल है, तो आपको लाइक जिस भी लाइट कलर का भी अगर आपको चाहिए तो बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, आपको सब कलर्स मिल जाएंगे। और इस वाले स्वेटशर्ट में भी 3-4 कलर अवेलेबल थे और कई सारे साइजेस में अवेलेबल। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक नाइट सूट लिया है अपने बच्चे के लिए, और वो भी हल्का सा मोटा लाइक स्वेटशर्ट टाइप का जो फैब्रिक है ना, उस वाली फैब्रिक में लिया है, जो कि यहाँ पे जो हल्की ठंडी पड़ती उतने के लिए। तो उसका मैं आपको दिखाती हूँ पहले टी शर्ट, तो ये है उसका बेसिक सा टी शर्ट विद दिस स्लीव्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे स्लीव्स है, ये नेवी ब्लू कलर का है, ये ब्लैक नहीं है, नेवी ब्लू विद ग्रे कलर है, और ऐसे है, और यहाँ पे एक नॉर्मल सा प्रिंट है जो कि बहुत ही प्यारा सा प्रिंट है, होजरी टाइप का फैब्रिक है विद दैट स्वेट शर्ट वाला गर्म फैब्रिक मिक्स्ड, सो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ एक लोअर भी मिला है जो कि ऐसे चेक्स में है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल ही पैंट का लुक दे रहा है, तो लाइक जरूरी नहीं कि ये पिजामा वाला बिल्कुल लुक नहीं दे रहा है, इसको पहनने पे जो इसकी फिटिंग भी आ रही है ना वो बिल्कुल पैंट टाइप की आ रही है, बहुत ही प्यारा सा दिया, छोटा सा इसमें अच्छा नारा है,
ताकि टाइट भी कर ले। इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी है और ये भी हल्का मोटा है, तो आपके साइड जितना भी ठंडी पड़ती है उस अकॉर्डिंगली आप बाय कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे ऑफर्स में है। लाइक लिटरली इतने अच्छे मार्केट से काफी सस्ते और बहुत ही अच्छे फैब्रिक में, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे। हम लोग भी पेरेंट्स हैं, एज अ मदर मैं खुद बता रही हूँ कि फैब्रिक हम लोग का मेन कंसर्न होता है कि बेबीज के स्किन पे लाइक रैशेज ना हो, उनके उनको अनकंफर्टेबल ना फील हो, बट इसके फैब्रिक सही में बहुत अच्छे हैं। सो आप बेधड़क जाइए और बाय। सो नेक्स्ट मैं एक और नाइट सूट ऑर्डर की हूँ, ये होजरी फैब्रिक में। ये पतला है, मतलब गर्मी में भी अगर लाइक हल्की सी ठंडी लग रही है, एसी चला के सोते हैं, तो उसमें भी आप ये बच्चे को पहना सकते हैं। बिल्कुल कॉटन होजरी फैब्रिक है, जो अपना बनियाइन वाला फैब्रिक होता है ना, वो वाला फैब्रिक है। बहुत ही सॉफ्ट सा है और इसका भी साइज जो है वो 28 है। सारे जितने हैं वो सारे का साइज 28 है। यहाँ पे बटन्स दिए हैं और एक पॉकेट दी है इसमें, तो आप देख सकते हैं ये कितना मस्त लग रहा है। इसमें भी बहुत सारे कलर्स और साइज के ऑप्शंस हैं, तो आप साइज और कलर का बिल्कुल नहीं सोचिएगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मस्त है ये। इसके साथ सेट में आया है इसका पजामा, तो आप देख सकते हैं फुल लेंथ में इसका पजामा है विद इलास्टिक एंड वेरी नाइस फिटिंग, अगेन विद होजरी फैब्रिक, और बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है। बच्चों को सोने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आराम आएगा, बहुत कंफर्टेबल है। सो डू चेक इट आउट, बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल कपड़े आए हैं मीशो पे, सो आप एक बार जरूर चेकआउट करिएगा बच्चों के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक जैकेट भी ली हूँ। तो ये जो जैकेट है ये अगर काफी अच्छी खासी ठंडी पड़ रही है तो ये हाई नेक जैकेट है, और ये वाले जो थोड़े से फुले फुले से जैकेट आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं वो वाला जैकेट है। इसमें बिल्कुल ठंडी नहीं लगती, लाइक इसके अंदर एक टी शर्ट पहन लीजिए, जैकेट पहन लीजिए और अच्छी वाली ठंडी में यू आर रेडी टू गो विद। लाइक बच्चे होते हैं ना, कैप पहन लेंगे, जैकेट पहन लेंगे, लेकिन नेक वाला जो एरिया होता है हमेशा उनका खुला होता है, तो ये हाई नेक वाला है तो ये बहुत ही अच्छा है। एंड इसका जो बटन वाला भी एरिया है बहुत ही अच्छा स्ट्रिचिंग बटन का दिया है। अंदर से भी इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट भी है एंड इनफैक्ट बहुत ही अच्छा गर्म भी कर रहा है, तो बहुत ही मस्त वाला है, स्टाइलिश लुक दे रहा है। इस पर भी बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है और इसमें कई सारे डिजाइंस भी अवेलेबल है। इसमें आई थिंक कैप अटैच्ड वाले भी डिजाइंस है, कैप में भी एक दो पैटर्न है, लाइक उसमें ईयर्स टाइप बने हुए हैं और कुछ कुछ पैटर्न, तो तीन चार कलर भी अवेलेबल है, तो हर साइज में हर कलर में अवेलेबल है, तो आप जरूर चेकआउट करिएगा। ये बड़ों के लिए भी अवेलेबल है, इसमें का लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, सबके लिए अवेलेबल है, तो आप जरूर चेकआउट करिएगा। बहुत ही मस्त वाला है, अगर कड़क की ठंड पड़ रही है तो वहां के लिए ये बेस्ट है। तो मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं कौन कौन से मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं और उसके वीडियोस और फोटोज भी दिखा दिए। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा और कौन सा वाला आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और एक बार जरूर ट्राई करिएगा, सिर्फ अपने लिए ही नहीं लेकिन बच्चों के लिए भी। मीशो में बहुत ही अच्छा कपड़े आए हैं, बहुत ही अच्छे फैब्रिक में आए हैं एंड वेरी अफोर्डेबल। लाइक मार्केट में वही चीज बहुत कॉस्टली मिलते हैं, बट मीशो पे बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आपको साइज का नहीं समझ में, साइज चार्ट भी होता है, नहीं तो आप ऑर्डर कर लीजिए, उसमें डिलीवरी और फिर रिटर्न पॉलिसी सब कुछ बहुत ही इजी है, तो आप जरूर एक बार ट्राई करिएगा। सारे प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्ट कोड है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लस अगर आप मीशो पे नए हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज करिएगा और उससे आप मीशो डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में विद वेरी गुड डिस्काउंट्स एंड बेनिफिट्स। सो आपको देर किस बात की है, आप जरूर से जाइए और जल्दी से मीशो चेकआउट करिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।